हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मल्टी कलर शेडेड फ्लावर डिजाइन बनाएंगे। ये जो चारों फ्लावर हैं हम अलग अलग रंग से बनाएंगे और सारा हम साटन स्टिच से ही बनाएंगे। चार पांच नंबर बड़ा टांका लेकर बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होता है, आप उसको दबा दीजिए, और उसके साथ एक बेल आइकॉन का बटन होता है, आप उसको ज़रूर दबा दीजिए। ऐसा करने से मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मैं जो भी नई वीडियो डालूँगी वो आप सबसे पहले देख सकते हैं। थोड़ा डार्क मूव से इसकी शेडिंग करेंगे। आज इसमें हम पिंक कलर लगाएंगे। पर हम दूसरा कलर लगाएंगे। सारे फ्लावर को इसी तरह बनाएंगे फ्रेंड। यहाँ बीच में भी इसी तरह शेडिंग करेंगे। सारे कलर के फ्लावर हम इसी तरह बनाएंगे। मैंने कटवर्क की भी बहुत सारी वीडियो डाली हुई है
और उन्हें कटिंग करना भी बताया हुआ है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ लाइट ब्लू से शेड देंगे। मैंने बिगनर्स के लिए भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम येलो कलर से बनाएंगे। यहाँ पर डार्क मोव कलर लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह की पत्तियों में एक तरफ हम लाइट ग्रीन लगाएंगे और दूसरी तरफ हम डार्क ग्रीन कलर लगाएंगे। इस तरह की पत्तियों में भी हम एक तरफ लाइट ग्रीन लगाएंगे और दूसरी तरफ डार्क ग्रीन लगाएंगे। यहाँ दूसरी साइड हम डार्क ग्रीन लगाएंगे। सारी डंडियां हम एक नंबर से बनाएंगे। इस तरह की सारी पत्तियां हम जीरो टांके से बनाएंगे। सारे फ्लावर में जरी थ्रेड से बिंदियां बना देंगे। इस तरह की नुकीली पत्तियां हम जरी थ्रेड से बनाएंगे।
सारे फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।